नाउ लाइव हर जुर्म का पर्दा। देवरिया गांव में सीओ ललित कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के आदेशानुसार राजस्व अधिकारी श्वेता श्री और अंचल निरीक्षक महेंद्र राम के नेतृत्व में दबंगों द्वारा दो दशकों से कब्जे में रही करोड़ों के जमीन को जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण मुक्त कर दिया। मशरक सीओ और थानाध्यक्ष आदेशानुसार प्रत्येक शनिवार को लगने वाले जनता दरबार में परिवाद संख्या 01/21-22 में घोघिया गांव निवासी परिवादी बासुकीनाथ त्रिपाठी एवं वैजनाथ त्रिपाठी पिता स्व प्रकट त्रिपाठी ने मामला दर्ज कराया, जिसमें सुनील कुमार सिंह, सुशील कुमार सिंह एवं राघव सहनी देवरिया गाँव निवासी के द्वारा अवैध कब्जा कर राघव सहनी के द्वारा करकट नुमा झोपड़ी और ईंट भट्ठा से अतिक्रमण कर लेने का आरोप लगाया था। हमर सरोज नाम का मामला बा ये मतलब कि 2001 में दहार आए रहे, तो 2001 में दहार आ रहे तब से हमने रह नहीं सा, तो 3 महीना दिन जी हमनियो रह रही से दहार में ओकरा बाद ई लोग रह गए लोग अपन मतलब रह गए लोग वही लगे हमने के अपन घरे चला गए नहीं सा। घरे जाए के बाद फिर हमने के अपन घर द्वार अपन पानी उनी का छोट के अपन रहनी सब में फिर रहे लगनी सब वही घर से लोग रह गए लोग ये जाएगी हाँ वो जिना गए लोग का तो हमने कहे जी रह सा तब से अपन ये जब आलो ये जमीन के कर हटे ये जमीन उनकर प्रगट तिवारी के रहे पांडी जी के रहे की बा रहे मतलब उतना हम जानकारी हमरा ना रहे ये बताओ था नाम सुने हैं कि हाँ प्रगट तिवारी पंडित जी की जमीन है। क्या नाम है अपने के? राघव सहनी। जोर से बोली राघव सहनी। काम मिला बा मामला ये बा सर यहाँ के 28-29 साल रहा है 28-29 साल में रहत हो गई 28 साल रहत हो गई तो दूसरा के जमीन पर दखली करके रहे तो सरकार रहे दी दखल जबरदस्ती से रख हाँ कहत रही हटे के तो कोई ना हटो तो लगा पूर्व के जमीन हो हमार खानदानी जमीन हो तो हम कोर्ट से अथी कैले रही हाँ जनता दरबार में आवेदन दिले रही हाँ तो सरकार के अथी से हमार अथी भइल इंसाफ मिलल हो आ प्रशासन के द्वारा एबरा जमीन के हैंड ओवर हमारा हाथ में से कैल गई कोर्ट के प्रशासन के तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करो तनी जे हमार जमीन हमारा हैंड ओवर हो गई हमारा एबरा कब्जा हो गई। न्यायालय के आदेश के आलोक में भूमि विवाद से संबंधित जो जनता दरबार से संबंधित है का आज दखल दहानी दिला दिया गया, जिसमें जिला बल एवं स्थानीय थाना बल और पदाधिकारी उपस्थित हैं। शांतिपूर्ण माहौल में यह दखलदानी दिलाई गई।